जैसा कि आप जानते हैं, श्री माता वैष्णो देवी का धाम जम्मू कश्मीर के शहर कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। माता रानी के दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ वैष्णो देवी का धाम कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके और यात्रा के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बोलिए जय माता दी। सबसे पहले बात करते हैं माँ वैष्णो देवी का धाम कैसे जाएं। माँ वैष्णो देवी का धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको कटरा पहुँचना होगा। आप अपने शहर से डायरेक्ट कटरा बाई ट्रेन आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट कटरा का ट्रेन अवेलेबल ना हो तो आप उस केस में जम्मू तभी आ सकते हैं। जम्मू तभी से कटरा आप ट्रेन या बस से जा सकते हैं। बस का किराया पर पर्सन 100 रुपीज के राउंड लगेगा। कटरा पहुंचने के बाद अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ कटरा की गली गली में बहुत सारा होटल गेस्ट हाउस अवेलेबल है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यात्रा कैसे शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होगा। RFID कार्ड एक यात्रा पास होता है जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड आप ऑफलाइन ही ले सकते हो। RFID कार्ड आप कटरा मेन चौक, कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा निहारिका भवन या जम्मू एयरपोर्ट पर बनवा सकते हैं। जैसे ही आप इन जगहों पर पहुंचोगे आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिख जाएगा। आपको काउंटर पर जाना है, ID प्रूफ देने हैं, वो आपको RFID कार्ड बनाकर दे देंगे। जितने लोग यात्रा पर जा रहे हैं सभी का RFID कार्ड लेना जरूरी है और आपको RFID कार्ड को संभाल कर भी रखने होते हैं। यात्रा पूरी हो जाने के बाद इसे रिटर्न भी करना होगा। RFID कार्ड आप घर नहीं ले जा सकते। RFID कार्ड लेने के बाद एंट्री गेट पर पहले चेकिंग वगैरह करवा लें, फिर आप माँ वैष्णो देवी का यात्रा शुरू कर सकते हैं। फाइनली एंट्री गेट से हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारा माता वैष्णो देवी का यात्रा स्टार्ट होता है, तो बोलिए जय माता दी। जैसे ही हमने यात्रा शुरू किया बारिश होने लगी थी। बारिश से बचने के लिए हमें रेनकोट खरीदना पड़ा। 50 का एक रेनकोट यहाँ मिला। फिर हमने यात्रा कंटिन्यू किया। जैसे ही आप बाणगंगा चेक पॉइंट पर पहुँचते हैं स्वर्गीय गुलशन कुमार जी का लंगर है जहाँ भक्त निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। करीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं बाणगंगा। कहा जाता है बाणगंगा को माता रानी ने अपनी बाण चलाकर प्रकट किया था जब हनुमान जी को प्यास लगी थी। बाणगंगा के जल से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी और माता ने अपने केस भी धोए थे। बाणगंगा में स्नान करने के बाद यहाँ पर माता का प्राचीन मंदिर है, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाणगंगा के दर्शन करके अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बोलिए जय माता दी। रास्ते में बहुत सी दुकानें फोटोग्राफी की मिल जाती है जहाँ आप फोटोशूट करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं माँ वैष्णो देवी का भवन तक कैसे पहुँचे। आपको बता दूं, बेस कैंप कटरा से माता का भवन तक पहुँचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई भक्तों को करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुँचने के लिए पैदल चढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है। सांझी छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। बाणगंगा से करीबन 1.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम लोग अगला पड़ाव चरण पादुका पहुंच गए। चरण पादुका मंदिर में माता रानी के पवित्र चरण चिन्हों के दर्शन करने को मिलता है। माना जाता है जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे तब माता इसी स्थान पर रुककर भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखी थी, इस वजह से माता का चरण चिन्ह यहाँ पे बन गया था। इसलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। माता वैष्णो देवी के पवित्र चरण चिन्हों के दर्शन हम लोग ने अच्छे से किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बोलिए जय माता दी। रास्ते में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आप पैदल चढ़ाई कर रहे हो तो खुद को हाइड्रेटेड रखें, ज्यादा अमाउंट में पानी और जूस पिएं। रास्ते में जगह जगह पर पीने की पानी और शौचालय की सुविधा बिल्कुल फ्री में भक्तों के लिए अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है।
चरण पादुका से करीबन 4.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम अगला पड़ाव अर्धकुंवारी पहुंच गए। यहाँ एक गुफा है जहाँ माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक ध्यान किया था। अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट ले लेनी है। अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम डिपेंड करता है भक्तों की संख्या पर। अर्धकुंवारी को गर्भ जून भी कहा जाता है। अर्धकुंवारी में ठहरने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको डोरमेट्री की सुविधा मिलता है और शारदा भवन में फ्री धर्मशाला की सुविधा अवेलेबल है, जहाँ आप 100 रुपए में कंबल लेकर आराम से स्टे कर सकते हैं। कंबल वापस करने पर आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर आप अर्धकुमारी की आरती अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से टिकट कटवानी पड़ती है। यात्रा के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। जब भी आप यात्रा पर निकलें, अपने साथ जरूरत की सारी चीजें जरूर लेकर आएं, जिससे आपको यात्रा करने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अर्धकुंवारी के पास बहुत सारे खाने पीने की दुकान अवेलेबल है जहाँ आप खा सकते हैं। अगर अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम ज्यादा है तो आप यहाँ टिकट कटवा कर पहले माँ के भवन और भैरव बाबा के दर्शन कर ले, फिर लौट कर अर्धकुंवारी जाएं। आपका नंबर तब तक आ जाएगा, फिर आप आराम से गर्भजून का दर्शन करें। अर्धकुंवारी से माँ के भवन जाने के 2 रास्ते हैं। अगर आप नया हेमकोटी मार्ग से भवन तक जाते हैं तो इस रास्ते में घोड़ा खच्चर नहीं चलता है। यह रास्ता काफी क्लीन रहता है, लेकिन बारिश होती है तो हेमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाता है। उस केस में आपको पुराना मार्ग सांझी छत से होकर गुजरती है, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। पुराना मार्ग में आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो भक्तों के लिए काफी हार्ड होता है। हेमकोटी मार्ग एकदम फ्लैट है, जिससे आसानी से भवन तक पैदल जाया जा सकता है। इतनी लंबी चढ़ाई के बाद जब आप माँ वैष्णो देवी के पवित्र भवन को देखते हैं तो आपकी सारी थकान गायब हो जाती है और आप जोर से चिल्लाते हो, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो फाइनली हम पहुँच गए माँ के भवन। तो बोलिए जयकारा सेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माँ के भवन पहुंचकर अगर आप ठहरना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से होटल में रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ डोरमेट्री की सुविधा भी मिल जाती है और भवन के पास दुर्गा भवन है, जहाँ फ्री धर्मशाला की सुविधा भक्तों के लिए अवेलेबल है। सिर्फ कंबल लेने के लिए पैसे देने होंगे। कंबल वापस करने पर आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। माँ के भवन में दर्शन करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। भवन में आप फोन, कैमरा, बैग, पर्स, जूते, चप्पल नहीं ले जा सकते। अगर आपने रूम लिया है तो वहाँ सारे सामान को रखें, या फिर यहाँ फ्री लॉकर सर्विस भी अवेलेबल है, जहाँ आप अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। माँ के भवन में दर्शन करने के लिए सबसे पहले प्रसादी लें। यहाँ बहुत सारे दुकान हैं जहाँ आप प्रसादी ले सकते हैं। प्रसादी लेकर लाइन में लग जाएं। लाइन काफी ज्यादा बड़ी होती है। माँ के दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे टाइम तो लग सकता है। अगर आप माँ के भवन की अटका आरती अटेंड करना चाहते हैं, अटका आरती में शामिल होने के लिए आपको अलग से टिकट कटवानी पड़ती है, जिसका चार्ज 2100 पर पर्सन है। माँ के दर्शन करके फिर आप शिव गुफा और राम मंदिर का भी दर्शन कर लें। माँ के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। माँ के भवन से भैरवनाथ मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए रोपवे सर्विस अवेलेबल है, जिसके लिए टिकट कटवानी पड़ती है, जिसका चार्ज दोनों साइड का 100 रुपीज पर पर्सन है। टिकट सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड है। 2 घंटे के अंदर आपको वापस लौट के आना होगा। कहा जाता है भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता रानी का दर्शन अधूरा माना जाता है, इसलिए भक्त माँ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाते हैं। भैरवनाथ मंदिर पहुंचकर सबसे पहले प्रसादी लें, फिर लाइन में लग जाएं। भैरव बाबा के दर्शन हमने अच्छे से किया। भैरवनाथ मंदिर के पास लंगर की भी सुविधा है, जहाँ भक्त फ्री में भोजन कर सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करके अब हम वापस कटरा लौटेंगे। रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आप घर ले जाने के लिए प्रसादी ले सकते हो और माता रानी के फोटो वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा माता वैष्णो देवी का यात्रा समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपको जल्दी बुलावा भेजे और माता रानी आपकी सारी विशेष पूरी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ट्रिप के साथ। जय माता दी।